हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करंट अफेयर के फैट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी आपके साइंस के फैट्स के बारे में। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करंट अफेयर के फैट्स की। तो आज का हमारा जो पहला फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये है कि आपकी आरबीआई ने लॉन्च किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। इसमें दोस्तों होता है कि एक्चुअली में कि देखिए, आप जब भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी आप सामान खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक तरह से डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पेमेंट करने के, चाहे तो आप फोन से कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, काफी सारे तरीके हैं पेमेंट करने के। तो ये आपकी कहाँ है, ये फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल है आपके। देखिए, जो आपके अर्बन सिटीज होते हैं, जैसे आपके दिल्ली मुंबई, आपके जितने भी शहर होते हैं वहां पे ये फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए, हमारे जो गांव के जो इलाके होते हैं जहां पर आपके कम लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है। आप कहीं पर भी अगर गाँव के साइड में जाएंगे, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना और सामने वाले बंदे के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो चीज नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए आपकी आरबीआई ने लॉन्च किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। दोस्तों, ये आपका देखिए, इन्होंने क्रिएट किया 5 करोड़ के फंड को, ताकि जो आपके देखिए जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिल सके इस तरह से। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसमें आपके किस किस लोगों को मदद की जाएगी, जो आपके Tier 3 से लेके Tier 6 तक के लोग हैं और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग हैं उनको यहाँ पर मदद की जाएगी। ठीक है, आपके Tier 3 में कौन कौन से लोग आएंगे, आपके 20,000 से जो कि 50,000 तक के जो लोग हैं वो आपके इसके अंडर में आएंगे। फिर आपके Tier 4 में कौन कौन से आएंगे, आपके 10,000 से लेके आपके जो 20,000 तक के लोग हैं वो आपके Tier 4 में आएंगे। Tier 5 में कौन कौन से आएंगे, देखिए, जो आपके 5,000 से लेकर 10,000 तक के जो लोग हैं वो आपके Tier 5 में आएंगे। और Tier 6 में आपके जो 5,000 से कम के लोग हैं वो आपके Tier 6 में आएंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को भी यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये सब चीजों को मैनेज कौन करेगा, जो आपका आरबीआई है वो सब इन सब चीजों को मैनेज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने आपके देखिए, जैसे किसी भी पर्सन को अगर कर्ज लेना है तो वहां पे देखिए वो आपके डिजिटल भी यहाँ पर आपके लोन ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बैंक में जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर करके सारी चीजों को डिटेल में दे करके आप यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए आपके लोन किस किस तरह के होंगे, जैसे आपके होम लोन होते हैं, एग्रीकल्चर लोन होता है, आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन होते हैं, और जो कि पर्सनल और ऑटो लोन होते हैं, तो इस तरह के आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने आपके देखिए जो देना बैंक है और विजया बैंक के साथ वो मर्ज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फैक्ट है दोस्तों, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे अपने तीसरे फैक्ट के बारे में, जो कि आपके यस बैंक के बारे में। यहाँ पे देखिए, जो आपकी यस बैंक है, उन्होंने एक लॉन्च किया है आपके फैसिलिटी को, जिसका नाम क्या है, लोन इन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका पर्सन लोन लेना चाहता है उसको जल्दी से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो इन्होंने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, लोन इन सेकंड है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, कोई पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इसमें अकाउंट है तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपने चौथे फैक्ट के बारे में। देखिए, जबकि जॉन कैस्टस है, वो आपके देखिए अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये हमारा आज का चौथा फैक्ट था। उसके बाद हम बात करेंगे पांचवें फैक्ट के बारे में। देखिए, फिनो बैंक पेमेंट लॉन्चेस भविष्य सेविंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो आपके फिनो बैंक है, ठीक है, उन्होंने आपके 10 साल से 17 साल तक की जो बच्चे हैं, यानी कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनको लिए यहाँ पे अकाउंट खोलने की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जिसका नाम क्या है, भविष्य सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह बच्चे यहाँ पे अकाउंट खोल सकते। इसकी जो इनिशियल फंडिंग है वो किससे स्टार्ट होगी, आपकी 350 रुपए से स्टार्ट होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी बच्चों के स्कॉलरशिप होंगे उसको भी इसमें पैसे मिलेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने अपनी बात करी 5 फैक्ट्स के बारे में। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। तो प्लीज अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।